यस सो सो गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में, और उम्मीद है मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। तो विक्की कुमार, राधे कृष्ण, रजनीकांत जिंदाबाद, सर्वेश ऑफिशियल भी हैं अपने साथ, और चैतन्य राज के साथ अंकिता हैं, सर्वेश प्रा ऑफिशियल भी हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग फटाफट से आ जाइए, क्लास का समय हो गया। कुछ बेहतरीन 25 क्वेश्चन फिर से आज आपके सामने होने वाले हैं, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन होंगे भाई। अच्छा, इनके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी होंगी, वो भी मैं आपको कराते चलूँगा, एक एक करके समझते हुए चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से एक एक चीज़ों पर हम लोग क्या करते चलेंगे भाई, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो सब लोग पहले फटाफट से लाइव आ जाइए, लाइव आने के साथ साथ अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का अपना जो सेशन होने वाला है, बेहतरीन 25 क्वेश्चंस का सेशन है। 3 बजे से क्लास लाइव होती है। जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि डेली 3 बजे से अगर आप मेरे साथ पेपर तक जुड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे जो शायद ही आपने अभी तक सीखी हो। तो फटाफट से लाइक और शेयर करके क्लास में शुरुआत करने का सिलसिला चालू किया जाए। तो अब एक बार सभी लोग ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों ही स्पष्ट है क्या, फटाफट से जल्दी से बता दीजिए। विक्की और उसके साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती जी भी अपने साथ उड़ गए, जल्दी से बताइए क्या लाइव क्लास में वीडियो की क्वालिटी और साउंड दोनों परफेक्ट है, फिर हम लोग आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन रेगुलर आपका क्लास फॉलो करते हैं, एक दिन भी मिस नहीं होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है दोस्त? विप्लव चौधरी। अगर आप लाइव नहीं आ जाते हैं तो कोशिश ये रखा करिए कि लाइव आया करिए, ठीक है। चलो दोस्त, पहला क्वेश्चन ही एक नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, और मुझे उम्मीद है कि दिए हुए निश्चित समय पर आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश जरूर करेंगे। ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है, देखते हैं कि क्या जवाब आप लोगों का रहने वाला है, फटाक से बताना है, ठीक है। मनीष कुमार, ओके। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, मैं जानना चाहूँगा सभी लोगों से, जल्दी से बताना है क्या उत्तर होने वाला है, ठीक है। बताओ भाई, और एक बार भाई साहब पेट्रोल पंप भी अपने साथ आ गए हैं। कल यार पेट्रोल पंप तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल क्या भाव चल रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। डी आंसर यहाँ एक बच्चे ने आंसर दिया है, इनका नाम है मनीष कुमार। अब देखते हैं मनीष जी सही है या सही नहीं। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अपने पास ये दे रखा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। तो क्या आपको ये बात पता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान होता है वो 1/(1/ साइन थीटा कॉस थीटा होता है? क्या आपको ये बात पता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 1/(1/ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है? अगर आपको ये बात पता है तो सवाल आपके लिए सरल हो जाएगा, और नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक सही, एक जो 1.25 लिखा है ना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, इस 1.25 को आप लिख सकते हो 1 सही 1/4, 4 एकम 4, और 1 5/4 लिखा जा सकता है, लिख सकते हो भाई। अगर 4 से 5 को विभाजित करेंगे तो 1.25 ही आएगा, और दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग, तो वर्ग करने पर इधर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 बन जाएगा, और ये होगा प्लस में 2 sin θ cos θ। क्या होगा? 2 sin θ cos θ। ये वर्ग किया है तो इधर आपके पास वर्ग हो जाएगा, और ये माइनस का हिस्सा आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलने वाला है कि अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या मिलेगा, 25/16। तो 25/16 को अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो अपने पास आएगा 9/16। क्या आएगा? 9/16, और 2 इसका नीचे उतर के आ जाएगा, हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 9/32। क्या हो गया? 9/32, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 9/32 है। तो अगर पलट के लिख दे तो ये आ जाएगा, और अगर पलट के लिखा तो ये हो गया 32/9, और 32/9 का मतलब क्या होता है, 9 * 3 = 27, 5, यानी कि 3 सही 5/9 जो होगा वो आपके प्रश्न का सही जवाब होगा भाई। डी वाले जितने भी हैं उन सब की बैंड बज गई है, डी वाले जितने भी हैं वो सब गलत हो गए हैं, तो ये ध्यान रखना है, डी वाले अभी भी जितने हैं वो सब गलत हो गए हैं। सही जवाब क्या आएगा? सही जवाब आ जाएगा 32/9, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
सर हम बच्चे नहीं हैं, ये नाम हम शोक से रखे हैं। अच्छा, आप शोक से रखे हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप बच्चे नहीं तो आप क्या हैं, ये भी मुझे बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 32/9, और आंसर नंबर पहला यानी ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर होगा, डी वालों की भैंसिया डूब गई है। डी वालों की भैंसी आज डूब गई है। अगले प्रश्न का उत्तर देना है आप सभी को। देखिए और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, फटाफट से देखते हैं क्या जवाब आता है। भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया से प्रश्न है। अब ए आने लगे, अभी तक सबके डी आ रहे थे, अब ए आने लगे। ये तो बड़ी भाई इतनी अच्छी बात है कि जैसे ही हमारा आंसर आता है फिर सबका आने लगता है, उससे पहले तक सभी के आंसर गलत होते हैं। वाह मेरे दोस्त वाह, ठीक है चलो दोस्त। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर करो और अगले प्रश्न का उत्तर दो। देखो ध्यान से कह रहा है, दशमलव के एक स्थान तक सही देना है। आपको ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति कितने अच्छे ढंग से आती है, इस बात का परिचय आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और मैंने ये नोट कर लिया है कि ये सवाल कब पूछा गया था, तो ये सवाल पूछा गया है 2020 में। कब का सवाल है? 2020 का सवाल है। अब देखिए कितने बच्चों के सही उत्तर आते हैं, कितनों के नहीं आते हैं। देखो क्या कह रहा है, जी एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। केंद्रक मतलब होता है जहां माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। जिसकी भुजाएं एबी 15 सेंटीमीटर है और बीसी 12 सेंटीमीटर। अब ये बात तो 35 और 12 को देखकर समझ में आ गई कि भाई 35 और 12 से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 35 12 37 से एक समकोण त्रिभुज बनता है। इसकी एक भुजा हो गई 12, एक भुजा हो गई 35, तो निश्चित सिंपल सी बात है कि इसकी तीसरी भुजा क्या होगी, आपके पास 37 होगी। और क्योंकि ए बी भुजा और बी सी भुजा के मान दिए थे, तो ए बी भुजा कितनी है, ए बी भुजा है आपके पास 35, ठीक है, और बी सी भुजा आपके पास है 12। तो ये हो गई बी सी भुजा और ये हो गई ए बी भुजा। इसका मतलब ए सी क्या हो गया, 37 हो गई। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ए सी का मान क्या आ गया, 37 आ गया। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, अब क्या कह रहा है, बीजी की लंबाई दशमलव के एक स्थान तक सही सही ज्ञात करना, और जी क्या है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, और लंबाई निकालनी है बीजी की। देखो जी क्या होता है, जी वो हिस्सा होता है जहां पर माध्यिकाएं आकर मिलती हैं, यानी कि त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो इस त्रिभुज का केंद्रक मान लेते हैं ये बिंदु है जी, और अब आपको बीजी की लंबाई निकालनी है, ये लंबाई निकालनी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर इसी बीजी को आगे ऐसे बढ़ा दूं, क्योंकि ये माध्यिका होगी, तो माध्यिका होने के कारण ये सामने की भुजा को दो बराबर हिस्सों में काट देगी। आया ना? बोले हाँ सर, काट देगी। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा होगा, ये मान लो ये पॉइंट हो गया आपके पास डी, ठीक, तो डी से का हिस्सा जो होगा वो 37 का आधा होगा। 37 का आधा का मतलब 18.5 होगा ना, या 37/2 लिख लो। 37 का आधा मतलब क्या होगा, 37/2, बोलो हाँ या ना। अब ये माध्यिका क्योंकि इस पर लंब होगी, तो आपने ये बात ज्योमेट्री में पढ़ रखी होगी ना मेरे प्यारे भाई, बहुत छोटी सी बात है। हालांकि इसका तो डायरेक्ट ही ये तरीका हो जाता है कि अगर आपको बी से जी तक की लंबाई निकालनी है, यानी आपको इसके लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी पूछी गई थी। हालांकि डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपको बीजी यानी कि लंब केंद्र से केंद्रक के बीच की दूरी निकालनी हो, तो वो h/3 होती है। लेकिन मैं आपको ये कोशिश कर रहा था बताने की, ये जो h/3 होता है, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की जो दूरी निकलती है, किसके किसके बीच की, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की जो दूरी निकलती है, वो h/3 क्यों होती है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आपके पास अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आप फटाक से आंसर निकाल लो, 37 का 1/3 यानी आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे होता है, सुनिए। अब देखो ध्यान से भाई, बड़ी सीधी सी बात हो गई कि अगर यहां से यहां तक की भुजा इतनी हो गई, तो ये जो हिस्सा होगा ना पूरा, ये वाला हिस्सा बी से डी तक का, ये भी 37 का आधा होगा, यानी 37/2 होगा। तो हमारे पास त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई आ गई है 37/2, ध्यान से सुनिएगा। और इस माध्यिका का ऊपरी हिस्सा पूछ रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास और ये त्रिभुज का केंद्रक है, तो इसकी जो ये लंबाई जो होती है वो 2 के रेशियो में होती है, ये लंबाई 1 के रेशियो में होती है ना, यानी कि 2/3 होगा। और 2/3 में ये 3 से 3, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 37/3 आएगा। क्या आ जाएगा, 37/3। तो यही बात मैंने आपको बताई कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो ये होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट तक पहुँचने का सही तरीका क्या होता है, वो होता है 37/3 का मतलब 12.33 जो होगा वो इसमें बीजी की लंबाई आएगी। क्या आ जाएगी बच्चा, बीजी की लंबाई 12.33। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है उनका फिर से गड़बड़ हो गया, ठीक है।
नहीं बच्चा है, बिल्कुल 4 बजे तक तो बिल्कुल ऑफ नहीं होगी, उसके बाद हिंदी की क्लास आप लेते रहना, आपको जो मतलब आपको जो जरूरी लगे वो आप कर लेना, ठीक है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। 4 बजे तक तो नहीं होगा क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं, और कोई हल्के फुल्के क्वेश्चन होते नहीं है कि जिसमें आया मैंने टिक लगा दिया और फिर आंसर हो गया। मैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट भी सिखाने के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूँ, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं तो विश्वास मानिए आपने अभी चीज़ें सही से पढ़ी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे भाई, ये है आपका अगला प्रश्न, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न होंगे अपने पास, और इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है जल्दी से बताइए। राधे 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 राधे। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाक से क्लास को लाइक कर दीजिए, फटाक से जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि 2.5 गुना बच्चे हैं और लाइक उसके भी आधे पड़े हुए हैं, तो सब लोग पहले जितने भी बच्चे हो एक बार बटन दबा दो लाइक की, सभी लोग फटाफट से, इतना कहने पर एक बार लाइक की बटन दबती है, ठीक है। अब चलो अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो है ये CRPF HCM में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, CRPF हेड कॉन्स्टेबल की परीक्षा का 2022 का क्वेश्चन है। मुझे ये देखना है कि यह प्रश्न आपका उत्तर देता है कि नहीं देता है, आपके उत्तर आता है इस प्रश्न में या नहीं आता है, चलिए जल्दी से बताइए, देखिए फटाक से। चलो भाई देखो फटाक से आंसर बताओ, भाई समय तो बहुत हो गया इस प्रश्न के लिए, इतना समय तो नहीं देना चाहिए था। चलिए देखिए, धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, ठीक है, जबकि समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में सिर्फ 5 घंटे का समय लगता है, ये भी बात ठीक है। नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात क्या है? सिंपल सी बात है, जब आपसे ये बोला कि दूरी अगर निश्चित है तो दूरी निश्चित होने पर चाल का जो अनुपात होता है वो समय के अनुपात का ठीक विलोम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कॉन्सेप्ट से आप सभी लोग परिचित हैं भली भांति, और बहुत बार ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब देखिए, अगर आप धारा के अनुकूल जाएंगे तो दोनों की चालें यानी नाव और धारा की चाल जुड़ती है, और अगर धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो इनकी चालों का अंतर लिया जाता है, ठीक। धारा के विरुद्ध अगर निश्चित दूरी तय करते हैं तो 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी 5 से 3/4 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा के साथ ये समय जो लगता है वो लगता है आपके पास 5 घंटे का, सिर्फ कितने घंटे का? 5 घंटे का। मेरे प्यारे भाई मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, 5 को 20 और 3 23/4 हो जाएगा, 23/4, इस 4 का इधर और गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, जो समय का रेशियो मिलेगा वो 20 और 23 का होगा। समय का रेशियो कितना होगा? 20 और 23 का होगा, साधारण सी बात है, तो इनकी चाल का जो अनुपात होगा वो 23 और 20 का होगा, कितना होगा? 23 और 20 का। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर धारा के साथ चाल आपके पास कितनी है? 23 है, और धारा के विपरीत चाल अगर 20 है तो नाव और धारा की चाल का अनुपात निकाला जाए कि नाव की चाल यानी x क्या होगा, तो 23+20 यानी कि 43/2 होगा, और धारा का चाल 23-20 यानी कि 3/2 होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो अनुपात आपके पास होगा वो 43:3 का होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि नाव और गति धारा की गति के बीच का अनुपात 43:3 का होगा। सिर्फ इतना ही सवाल था। अब देखिए सही उत्तर कितने बच्चों का आया है, कुछ बच्चों का आया है ऑप्शन नंबर ए, और किसी का कुछ आया है? नमस्कार जिंदगी, बड़े दिन बाद नजर आए हो, कहाँ थे अभी तक? बहुत बढ़िया, ए बिल्कुल सही जवाब है। सी जिसने दिया है, रजनीकांत नाम है उनका, वो बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा, बहुत जबर जबर से प्रश्न है भाई, अब आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न देख लो बहुत ध्यान से, 2017 के मेंस का पेपर है, सॉरी 2017 का मेंस का क्वेश्चन है। मैं आपको कहां कहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के ला रहा हूं आपको पता है, ये 2017 का मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का मतलब CBT 2, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, 2017 का। अब देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़िए और बताइए क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का सभी लोग फटाफट से, ठीक है। 2017 का कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सोचकर बताना है कि प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है, चलिए जल्दी से बताइए। और जिन बच्चों ने आज लाइव आया हूँ, अच्छा ठीक है, चलिए बताइए। लव यू टू भाई, ठीक है, अरे लव यू यहाँ ना बोला करो यार, नहीं तो कोई गलत समझेगा, फिर ये कहोगे कि सर लो, ठीक है। एक्चुअल में ये मेंस वाला नहीं था, ये CPU का 2022 का क्वेश्चन है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, ये CPU के 2022 का क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करोगे। अभी तक किसी का नहीं आया, कुछ बच्चों ने बी आंसर दिया है, कह रहे 30 रूट 510, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
एक त्रिभुज के अर्ध परिमाप और उसकी भुजाओं के बीच का जो अंतर है वो 18, 17 और 25 है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो, जब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या लिखते हो फॉर्मूला? बोलते हैं सर एस एस माइनस ए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो लिखते हो भाई, है ना। और एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप से पहली भुजा का अंतर, अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा का अंतर और अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा का अंतर आपके पास प्रश्न में दे रखा है। ये अंतर क्या क्या है? 18, 17 और 25। तो इसकी जगह हमने लिख लिया 18, 17 और 25, ठीक। क्या लिख दिया? 18, 17 और 25। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एक बात तो हमें समझ में आ गई कि 25 का वर्गमूल, जब अभी हमें एस का मान नहीं पता है लेकिन ये पता है कि अगर हम 25 का वर्गमूल लेंगे बाहर तो बाहर अपने पास 5 आएगा। क्या आएगा बाहर? 5 आएगा, आएगा 5 बाहर। इसका मतलब जो बाहर होगा वो 5 का गुणज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया, 5 का गुणज हो गया, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, ठीक। जरूरत किसकी है? एस की जरूरत है। एस की जरूरत को हम पूरा कर लेते हैं। एस की जरूरत, हालांकि एस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जो 18 लिखा है ये 9 गुणे 2 होता है, और 9 का वर्गमूल जब लिखोगे बाहर तो अपने पास यहां पर सिर्फ ये क्या हो जाएगा, बाहर 9 का वर्गमूल आ जाएगा 2, 3 आ जाएगा, ठीक है। और 18 की जगह सिर्फ यहां क्या बचेगा? 18 की जगह सिर्फ बचेगा 2, यानी बाहर वाला हिस्सा 5 का गुणज होना ही चाहिए, साथ में 3 का भी गुणज होना चाहिए। तो अब इन दोनों में 35 और 30 में 3 का गुणज कौन सा है? बोले सर ऑप्शन नंबर बी है, मतलब ये भी खत्म हो गया। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बोलो ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब अगर किसी बच्चे से आपसे मैं ये पूछ लूं कि यहां से अगर आपको एस का मान निकालना हो, यानी अर्ध परिमाप मुझे चाहिए ही, अगर मुझे ये पूछ लूं मैं कि, हालांकि प्रश्न का उत्तर तो आ गया, लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि मुझे अर्ध परिमाप का मान निकालना हो, एस का मान निकालना हो, तो उस एस का मान क्या आएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और ये होता है 2s के बराबर। बोलो हाँ या ना, होता है कि नहीं होता? बोले हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर अपने पास s माइनस ए दिया था 18, s माइनस बी दिया था अपने पास 17, और s माइनस सी अपने पास दिया था 25, यही दिया था? बोले हाँ सर। मैं तीनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 3s, ठीक। यहां पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और उसका मान है 2s, तो 3s में से 2s घटाएंगे तो सिर्फ अपने पास s बचेगा। और यहां पर 17, 18, 35, 35 और 25, 40 भी 60 हो जाएगा, यानी s का मान अपने पास आ जाता 60। अर्ध परिमाप की अगर जरूरत पड़ती तो वो कितना आ जाता? 60। ये सिंपल सी शब्दों में आप निकाल सकते थे, इसमें कोई तकलीफ नहीं थी, ठीक है। तो परिमाप ये आपके पास एस का मान आ जाता 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आहा, बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखकर अच्छे से उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बड़ी मजा आएगी आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पांचवा नंबर प्रश्न है इस वक्त आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से उत्तर बताने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताओ कि ये मान क्या होने वाला है। चलिए बताइए जल्दी से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को 30/2 को 60/2 आंसर क्यों दे रहे हो भाई, जबरदस्ती 60/2, जबकि निकाल के बताया है फिर भी 60/2, ऐसा करोगे हैं? इतने मेधावी हो तुम? अभी तक वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया फटाक से लाइक कर दो। चलो देखो इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस सवाल में a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है हमारे पास, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान दिया है, और ये बड़ा सा मान पूछा गया। आप देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोल दूं डायरेक्ट, इसका आंसर 21 × 9 यानी 189 माइनस 3 186 होगा। कितना होगा? 186 होगा। अब आपके दिमाग में जाएगा सर ये 186 कैसे हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों होगा, ध्यान से सुनना भाई। अगर आप वैल्यू पुटिंग से इसमें सवाल में जाना चाहोगे तो फंस जाओगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना कि a प्लस बी प्लस सी, आपका नज़र, आपका दिमाग चारों तरफ दौड़ना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। ऐसे क्या किसी भी प्रश्न में आपका दिमाग चारों तरफ हर एक स्थिति को एक्सप्लोर करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए, और ये बराबर में है 9 के। मेरी बात ध्यान से सुने, आपको जो मान चाहिए वो चाहिए a बटे बी प्लस बी बटे सी प्लस सी बटे ए प्लस बी बटे ए प्लस सी बटे बी प्लस ए बटे सी, ये चाहिए ना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का गुणा इसमें करता हूँ तो देखो अपने पास क्या आएगा। जब a का गुणा इसमें करेंगे तो ये तो एक हो जाएगा। a का गुणा इसमें करिए a बटे बी मिलेगा, a का गुणा इसमें करिए a बटे सी मिलेगा,
ए बटे बी और ए बटे सी मिल गया आपके पास, ये आपके पास मिल गया, ये आपके पास मिल गया, मिल गया। उसके बाद देखो b का गुणा इसमें करोगे तो b बटे ए मिलेगा, b का गुणा इसमें करोगे तो एक मिलेगा, b का गुणा इसमें करोगे तो b बटे सी मिलेगा। तो b बटे ए और b बटे सी भी मिल गया, b बटे सी और b बटे ए भी मिल गया। आखिरी वाले का गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज भी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, और तीन और मिलेगा। तो तीन और जो मिलेगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा, हाँ है ना भाई, हमने सबका गुणा कर दिया तो हमें जो चीज चाहिए वो मिल गई, ये वैल्यू हमें मिली, लेकिन हमारे पास तीन एक्स्ट्रा मिला, मिला तीन एक्स्ट्रा, और साथ में जब इधर गुणा हुआ है तो 21 गुणे 9 हुआ है। तो यही बात मैं आपको सिखा रहा था कि शॉर्ट ट्रिक क्या कहेगी कि 21 गुणे 9 माइनस 3 कर देते 186 उत्तर होता, होता है नहीं होता। 21 गुणे 9 189, और 189 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो 186 इस प्रश्न का उत्तर आएगा, जिसमें ए बटे बी, ए बटे सी, सी बटे ए, बी बटे ए, और क्या बचा है, और बटा है बी बटे सी, और c बटे b आपका उत्तर मिल जाएगा। यही तो आएगा ना इन दोनों का गुणा करके, वो किसके बराबर होगा 186 के। सिर्फ इतना सा काम करना था और एक बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने से गया। नोट पॉइंट बना के जरूर इन प्रश्नों को नोट करिएगा, क्योंकि बड़े जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है सर, हम लाइक कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास जिससे कोई भी बिना लाइक किए क्लास ले नहीं पाए? नहीं बच्चा, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं होता, ये आप लोगों के उस पर डिपेंड करता है भाई, आप लोगों के भी दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो तो हमें नहीं पता है ना। अब देखो टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न देखिए, कोशिश करिए, चलो खैर जिसका मन हो करो, नहीं मन हो क्या ही कर सकते हैं, जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। बताओ अगला प्रश्न, बताओ फटाक से क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ये किसी पेपर में नहीं आया है, ये मेरा वह प्रश्न है, ये किसी पेपर का प्रश्न नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, फिर भी आप लोग एक बार कोशिश कर लो, ठीक है। सर और शॉर्ट ट्रिक हो, अब बेटा कुछ तो लिख लोगे, और शॉर्ट ट्रिक क्या, अब 21 गुणे 9 माइनस 3, इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या चाहिए, अब हम या तो कुछ लिखे ना, मैं सीधे आपको बोल दूँ आपका उत्तर आ जाए। अब जैसे यही प्रश्न है, बड़ा सा दिख रहा है, मैं इसको पढ़ के अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बस लिखूं, मैं समझाऊंगा नहीं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक लिख दूंगा, ठीक, देखना फिर बताना क्या होगा। चलिए आए इस प्रश्न पर देखते हैं। अरे यार बच्चा, आप लोग कैसी कैसी बात करने लगते हो कभी कभी, ये लगता है चिन्ह क्या नाम है चैतन्य, सुनो सवाल पढ़ लेते हैं। अनिल 60 दिनों में घर को पेंट कर सकता है, ठीक है, जबकि विमल इसे 84 दिनों में पेंट कर सकता है। अनिल पेंटिंग करना शुरू करता है और 10 दिनों के बाद विमल और चारू भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो मिलकर पेंटिंग को 14 दिनों तक और में पूरा करने करते हैं, यानी और 14 दिन तक वो मिलकर काम करते हैं। यदि उन्हें नौकरी के लिए कुल 21,000 रुपये का भुगतान किया जाता है तो चारू का हिस्सा क्या होगा, उसके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा ये सवाल है कि जो जितना काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, यानी जिसकी जितनी क्षमता, जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा दिया जाएगा, इतनी सी बात है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ ना उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। देखो अनिल किसी काम को कर कितने दिन में सकता है, 60 दिन में। अब ध्यान से सुनना, मैं अनिल की बात कर रहा हूँ, अनिल किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, बोले हाँ सर कर सकता है। इसने काम किया कितने दिन है भाई, शुरुआत अनिल ने की तो अनिल ने पहले 10 दिन काम किया और फिर इसके बाद विमल और चारू इसके साथ आए तो 14 दिनों तक इन्होंने और काम कर लिया। इसका मतलब अनिल ने 10 प्लस 14 24 दिन तक काम किया है। ये किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और इसने 24 दिन काम किया है, तो इसका मतलब मेरे भाई सीधा सीधा है कि 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, इसने उस काम का 2/5 हिस्सा कर दिया है, किसने, अनिल ने। यहां तक बात समझ में आई सभी को, अनिल ने उस काम का 2/5 हिस्सा कर दिया, ठीक। अगली बारी किसकी आती है, कह रहा विमल, और विमल उस काम को 84 दिनों में कर सकता था। अब मैं बात कर रहा हूँ विमल की, कि विमल अगर किसी काम को 84 दिनों में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 84 दिन में, और विमल ने काम कितने दिन किया है, चारू के साथ 14 दिन तक काम किया है, इससे पहले विमल काम नहीं कर रहा था, तो सीधी सी बात हो गई कि इसने सिर्फ 14 दिन काम किया है, यानी काम का 1/6 हिस्सा इसने अकेले पूरा किया होगा, किसने, विमल ने। अब देखो भाई दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, किसने किसने,
अनिल ने और विमल ने, इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 6 × 12, 5 × 5, 6 × 12, 5 17/30 काम इन लोगों ने मिलकर कर लिया। किसने किसने, अनिल ने और विमल ने। ठीक, तो बचा काम कितना होगा, शेष काम बचा होगा 30 में से 17 हो गया, तो इसका मतलब जो ये रहा है, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना रहा होगा, 13/20 रहा होगा ना, 13/30 सॉरी। और ये जो रिमेनिंग वर्क है, यही वर्क तो चारू ने किया होगा ना, यानी चारू के द्वारा किया गया काम कितना है, 30 में से 13। तो पैसा भी उसको 30 में से 13 के हिसाब से मिलेगा। और कुल पैसा कितना दिया गया था, बोले सर 21,000 रुपये दिए गए थे। तो 0 से 0, 3 × 7 = 21, 13 × 7 = 9100 रुपये, उसमें किसका हो जाएगा, चारू का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, इससे ज़्यादा सॉल्व क्या तुम बच्चे की जान ले सकते हो, इतना तो तुम लिख ही लेना, ठीक है, क्योंकि इतना भी नहीं लिखोगे तो फिर ऐसे सवालों में तुमसे गड़बड़ हो जाएगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती 9000 गड़बड़ हो गया, ठीक है। अंकिता, फोटो ईशान पुत्र की लगी है, मतलब आप दिमाग लगाओ, क्या करना चाह रहे हो बेटा, आप लोग आपस में ही ऐसा ऐसा बतिया रहे हो कि हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग बतिया क्या रहे हो, है? चलो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और अगला प्रश्न देखो, फटाक से बताओ भाई अगला प्रश्न क्या होगा। अगर आप लोगों की फरमाइश ये है कि सर हमको वही लोलो पोचो वाले क्वेश्चन करा दीजिए जो हम सबको आते हैं, आप हमें बताइए, हम वैसे ही क्वेश्चन करा देंगे, वही लोलो पोचो वाले, ठीक है। आप मुझे बताइए सर 84 कैसे आया, बेटा 84 तो दिया हुआ था सवाल में, ये देखो ना, ये 84 यहाँ पर दिया हुआ है कहीं, ये देखो दिया हुआ है, सवाल तो पढ़ लो पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई अपना फटाक से, अगला प्रश्न। वीडियो को एक बार रिफ्रेश जरूर करते रहिएगा सभी लोग, ठीक है, वीडियो को एक बार रिफ्रेश जरूर करते रहिएगा सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, उत्तर दीजिए फटाक से। आ जाओ भाई इस प्रश्न को देखें। कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है, तो हमारे पास एक त्रिभुज हो गया एबीसी, इसकी भुजाओं को हमने कुछ बढ़ाया है, ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज हो गया एबीसी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक। ये हमारे पास त्रिभुज हो गया एबीसी, इसकी एबी और एसी भुजाओं को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया, तो एबी भुजा ये आगे बढ़ा दी गई और एसी भुजा को यहां से आगे बढ़ा दिया गया, कहां तक, इसको डी तक बढ़ा दिया गया है, इसको ई तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहा है, कोण सीबीडी और कोण बीसीई के समद्विभाजक, विभाजक सीबीडी, सीबीडी मतलब ये कोण और बीसीई का मतलब ये कोण, ज्योमेट्री में जब आप पढ़ते हो तो ये जो समद्विभाजक होते हैं ये किसी बिंदु पर आके पी पॉइंट पर मिलते हैं, तो ज्योमेट्री में जब आप त्रिभुज पढ़ते हैं और त्रिभुज में बाएं कोणों के द्विभाजक पर ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो सबसे पहला आंसर ये आता है, बच्चों ने 51 आंसर दिया है, यानी कि कुछ बच्चे 61 भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे 51 भी दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा अक्सर यही कोण पूछा जाता है, और ये जो कोण होता है ये होता है कोण 90 - a/2, क्या होता है 90 - a/2, बहुत सीधी सी बात है। और ए क्या दिया हुआ है, कोण ए यहाँ पर, ये वाला कोण 78 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 78, तो बस यही करना है, ये बराबर होगा 78 के, 90 में से 78 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, चलो 90 - 78 बराबर कोण 1/2, तो ए यानी कि 78, 78 का आधा 39, 90 में से 39 माइनस करेंगे 51 हो जाएगा, ये आपका जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा, 51 डिग्री का हो जाएगा। घटाने में अगर आपसे दिक्कत हुई तो फिर ये आपकी अपनी पर्सनल समस्या है भैया। 56 भी कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, वाह मेरे दोस्त, ए ये लिखा है, ए 78 दिया है, 78 का आधा 39, 39 को 90 में घटाओगे 51 आंसर आएगा। ये 56 और ये 61, ये अपने अपनी तरफ से कैसे आंसर दे रहे हो, जबकि इतना बता दिया फिर भी गलत आंसर दे रहे हो भाई, ये तो बहुत गलत बात है। विपिन सिंह, हिना नाज है, ये तो बहुत गलत बात है बच्चा लोग, ये बताने के बावजूद अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। ये देखो भाई, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं जितने भी बच्चे हैं जो कि पहले से रेलवे में लगे हुए हैं, वो अगर एएलपी में किसी भी 3 वैकेंसी जो आई है, एएलपी की, ट्रेन मैनेजर की और एक कोई और है, ठीक है, उसमें अगर आप इंक्लूड होना चाहते हैं, उसका एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये कोर्स गारंटी बैच आप ही के लिए है। इसमें आपको सब्जेक्ट जो मिलेंगे वो मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग जो पूछे जाएंगे वो मिलेंगे, और कीमत होती है सिर्फ 996 रुपये। ये इसके फीचर्स हैं कि लाइव क्लासेस भी हैं, वीओडी क्लासेस भी हैं, क्लास और क्वेश्चन के पीडीएफ भी हैं,
डिटेल, सारा कंटेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी। आपको ये लेते हुए बस एक कूपन कोड अप्लाई करना है ताकि ये आपको और डिस्काउंटेबल प्राइस पर मिल जाए मेरे प्यारे भाई। वो कूपन कोड है AD10, ठीक है, AD10। आप इस कूपन कोड को लगाकर क्या कर सकते हैं, बैच को परचेज कर सकते हैं और हमारे दिए हुए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फटाक से आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। कोशिश करिए और बताइए क्या आंसर होगा भाई, फटाक से, ठीक है। जिन बच्चों ने हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को अब अगले प्रश्न का उत्तर दो, चलो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले प्रश्न के उत्तर के लिए अपना सारा का सारा ध्यान इधर केंद्रित करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। जल्दी से भाई, जल्दी से करो यार, लाइक शेयर क्या बात है, एकदम कैसे ढीले पड़े हो, गुस्सा क्यों दिला रहे हो उनको, जल्दी से लाइक करो फटाफट, बदमाश बच्चे, जल्दी से लाइक करिए फटाक से सभी लोग। चलो भाई देखो फटाक से आंसर को देखो सर, इस प्रश्न का सही जवाब और सरल जवाब तेजी के साथ कैसे दिया जा सकता है, वो कैसे देंगे देखते हैं। रोहन के साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि, रोहन ने होगा फिर तो, है ना, रोहन ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार ली। ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% प्रतिवर्ष, अगले 5 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष और अगले 7 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष। यदि उसने ब्याज के रूप में 2485 रुपये का भुगतान किया है तो उधार ली गई राशि क्या है। अब कोई व्यक्ति अगर पहले 3 वर्ष के लिए 3% के हिसाब से लगता है तो 9% यहाँ ब्याज होगा, 9 5 को 20 20 और 9 29 हो गया, 29 और 42 29 और 1 30 हो जाएगा, 30 40 70, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा टोटल इंटरेस्ट होगा 71% का, और सवाल के हिसाब से ये इंटरेस्ट कितना है 2485 रुपये का। तो सीधी सी बात है भाई, अगर हमारे पास 71% का मान है 2485 तो कितनी बार जाएगा, है ना, तो 71 × 3 कितना होगा 223 और 71 पंचे, ठीक है, यानी कि ये जाएगा आपका बात 35 बार, तो 1% का मान हो जाएगा आपके पास 35, तो इसका मतलब 100% की जो वैल्यू होगी, जो मूलधन राशि पूछी गई है कितनी मूलधन राशि पर ऐसा हुआ, तो आप बोलोगे सर 3500 रुपये होगी मूलधन राशि और यही आपसे पूछा गया है, उधार ली गई जो राशि होगी वो कितने प्रतिशत होगी या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर वो 3500 होगी। कैसे देखा, डिवाइड किया भाई, 71 से पहले 3 बार डिवाइड किया तो 223 हो गया, 213 हो गया, 213 हो गया, बचा यहाँ पर अपने पास 35, 355 हो गया, 71 × 5 355 हो गया। पहाड़ा देखना था बस, आपको पहाड़े अच्छे से याद है तो सब काम हो जाएगा, नहीं याद है तो और भी अच्छा काम हो जाएगा कि फिर कुछ होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा सब खेल, ठीक है। वीडियो को लाइक ना करने वालों को पाप लगने वाला है, मैं जल्दी से अभी श्राप देने वाला हूँ देखना। अरे वाह, चलो भाई ये प्रश्न करो, जरा देखें कितने समय में आपका क्या दिमाग दौड़ता है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए भाई, जल्दी से फटाक से आंसर बताइए क्या होगा, ठीक। मैं आपको बता दूं कि 2021 के प्री का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है प्री का, ठीक, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, फटाफट से आंसर, देखिए आपका दिमाग कितना चलता है और कितना चलने के बाद ये दिमाग में क्या उत्तर आपके बैठता है, फटाक से बताओ, ठीक है। सब लोग यहाँ पर बिल्कुल अपने दिमाग को स्थिर रखना, इस सवाल को जब सीखोगे ना तो बिल्कुल स्थिर दिमाग रखना, कोई भी बतौलेबाजी मत करना, क्योंकि थोड़ी सी चीज अगर आप नहीं सीखे तो सवाल चला जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से समझना। ये सवाल कह रहा है कि 3 ब्रैकेट में ये सब फलानी चीजें लिखी हैं और हमें इसका मान निकालना है, ध्यान से सुनना भैया, आपने ये पढ़ा है ना, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, ये दोनों आइडेंटिटी, दोनों सर्वसमिकाएं आपने पढ़ी होंगी, हाँ है ना, पढ़ी होंगी ना। अच्छा अब देखो ये जो sec स्क्वायर 43 है इसको अगर हम पलटे हैं, इसको हम अगर cosec में चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना cosec स्क्वायर 47 बन जाएगा, cosec स्क्वायर 47 बनेगा,
सेक स्क्वायर 43 को हम कोसिक स्क्वायर 47 लिख सकते हैं। अब ये कॉट स्क्वायर 47 माइनस कोसिक स्क्वायर 47, आपने पढ़ा है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 इंटू 3 ये माइनस 3 हो गया ऊपर यहां पर, ठीक। दूसरी बात, ये कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम सेक में चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर 23, सेक स्क्वायर 23 बन जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, तो ये माइनस 1 हुआ और यहां पर आपके पास माइनस 2 था तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास आ गया माइनस 3 प्लस 2, ठीक। अब नीचे की बात करते हैं, नीचे देखते हैं ध्यान से, देखो समझना ध्यान से भाई, इसको अगर आप कॉट में लिखोगे, इसको अगर आप कॉट में लिखोगे तो ये होगा कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर 68 प्लस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 68 प्लस थीटा। तो अब आप देखो कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों हिस्से मिलकर हो गए 1, यानी कि मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलकर क्या बना देगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलकर 1 बना दिया इसने, ठीक। आगे देखो, अब पूरक कोणों के विषय में आपने पढ़ा होगा कि ये आपके पास कॉट 29 माइनस थीटा दिया है, अगर इसको हम 10 में लिखेंगे तो 90 में से 29 घटाएंगे 61 बचेगा और माइनस जो होगा ये प्लस हो जाएगा, ये टेन 61 प्लस थीटा हो जाएगा अगर लिखेंगे। यहां पर है टेन 60, टेन थीटा प्लस 61 माइनस का, ये है टेन थीटा प्लस 61 प्लस का, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी फिर सिर्फ यहां पर बचेगा माइनस में 0, तो ऊपर आया माइनस का 1, नीचे आया प्लस का 1, माइनस 1 अपॉन में प्लस 1 जो होगा ये आपके पास उत्तर देगा माइनस 1, तो ये प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस 1 उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब समझने को आपको चीजें बहुत अच्छे से समझनी है, अगर थोड़ा सा नहीं समझे या थोड़ा सा जब हम बता रहे हैं चीजें और आप लोग अपनी आपस की बातों में लग गए तो फिर सवाल समझ ना पाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फिर सवाल समझना आपके बस की बात नहीं होगी, ठीक है। देखो अब अभी शुभम सिंह मैं पूछूं कि आपसे कि इसमें क्या हुआ मेरे भाई, तो तुम मणिपुर की चिंता में भी व्यस्त हो, अरे ये सब चिंता क्लास के बाद या क्लास से पहले कर लिया करो, क्या ही समस्या है। चलो ये प्रश्न देखो, इतने इतने जबरदस्त से प्रश्न है, तुम लोग पता नहीं कौन सी चिंताओं में पड़े हो, चलो करके बताओ। अच्छा ये प्रश्न देखें किसका आता है, फटाक से बताओ। इसीलिए कह रहे थे ध्यान से समझना, नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा से चेक करना, ठीक है, अगर ना आए फिर बताना। चलो देखो अगला प्रश्न देखो, बताओ क्या होगा बताइए, बहुत ही जबरदस्त सा प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का, अब आपको देखना और बताना है कि सही उत्तर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताओ, ठीक है। देखिए कितने बच्चों का क्या प्रश्न सही होता है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करने वाले बच्चों को अभी तुरंत ही लाइक करना होगा, वो भी दबा के जल्दी से, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, पनीर के 1050 रुपए के टिन पर 11% की छूट और 1750 रुपए के मक्खन के टिन पर, वाह पनीर भी है मक्खन भी है दोनों चीजें, अच्छा 1750 रुपए के मक्खन के टिन पर 32% की छूट दी जाती है, यदि हम 5 टिन पनीर और 4 टिन मक्खन खरीद लें तो हमें मिलने वाली प्रभावी छूट प्रतिशत में क्या होगी। तो जब भी हमने आपको बोला है कि जब भी कोई चीज प्रतिशत में दी जाए तो ये जो मूल्य दिए हैं इन मूल्य का कोई मतलब नहीं होता है, आप सिर्फ और सिर्फ इनके रेशियो पर काम कर लीजिए, काम बन जाता है, मैंने आपको कई बार बताया, फिलहाल कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, ठीक है। पनीर के टिन की कीमत है 1050 रुपए और मक्खन के टिन की कीमत है 1750 रुपए, मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझना, ठीक। पनीर के टिन खरीदे जाते हैं 5 और मक्खन के टिन खरीदे जाते हैं 4, ठीक। इसके बाद पनीर के टिन पर जो छूट का प्रतिशत है वो 11% की छूट है और जबकि मक्खन के टिन पर जो छूट का प्रतिशत है वो 32% की छूट है और आपसे पूछ रहा है कुल छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान से देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, करना सिर्फ आपको ये है कि यहां पर इनका जो अनुपात है ना इसका रेशियो ले लो, आप फटाक से रेशियो निकाल लो, तो क्या मिलेगा रेशियो, ठीक है। देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तय 15, 5 सत्य 35 हो गया, ठीक। उसके बाद 5 तय 15 और 5 पचम 25 होगा ना,
15 और 5 पचम 25। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। 5 से इसको काट देते हैं 7 बार, 7 से इसको काट दिया 3 बार, यानी कि हमारे पास जो मूल्य मिला वो 3 और 4 हो गया। तो हम डायरेक्ट ये लिख लेते हैं कि ये मूल्य हमारे पास 3 और 4 हो गया। किसके किसके लिए? पनीर के 4 टिन के लिए और मक्खन के 5 टिन के लिए। ये हमारे पास मूल्यों के अनुपात आ गए 4 और 5 टिन के, 3 और 4। बोलो ठीक है, पनीर के 5 टिन के लिए और मक्खन के 4 टिन का जो हिसाब किताब था वो हमारे पास इसका मूल्य का अनुपात 3 और 4 हो गया। ठीक है, अब चलो सुनो, आपसे पूछा है कि हमें मिलने वाली प्रभावी छूट क्या होगी। तो प्रभावी छूट कब निकलती है? जब हम दोनों का गुणा करके उनकी संख्या से भाग दे देते हैं, सीधी सी बात है। तो 11 33% यहाँ की प्रभावी छूट, ठीक, और 32 गुणे 4 होता है 108, इधर 8 इधर 12 इधर, 128, 128 और 33 मिलकर हो जाएगा 161। यहाँ पर हो गया 128 और यहाँ पर हो गया 33%, दोनों को अगर कुल मिला दे तो 161 हो जाएगा। और क्योंकि प्रभावी छूट चाहिए तो इन दोनों के योग से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगी प्रभावी छूट। तो 7 × 2 = 14 हो गया, यहाँ से बचेगा 2 × 7 = 21 हो गया, यानी प्रभावी छूट का प्रतिशत होगा 23। बताइए इससे ज़्यादा सरल क्या हो सकता है। और मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग कमेंट से मुझे ये बताओ कि अगर ऐसे प्रश्नों को आपने आज से पहले अगर इतने सरल तरीके से देखा हो तो भी मुझे बता सकते हो। नहीं देखा होगा, गारंटी है मेरी कि नहीं देखा होगा ऐसे प्रश्नों को इस ढंग से। आपने खूब सारा कैलकुलेशन किया होगा, 1050 × 5 किया होगा, फिर उसका 11% छूट निकाली होगी, 1750 इसका 4 का गुणा किया होगा, उसकी 32% छूट निकाली होगी, उन दोनों छूट को जोड़ा होगा, फिर इन दोनों के मूल्य को जोड़ा होगा, फिर उस छूट का प्रतिशत इन दोनों मूल्य पर निकाला होगा, तब जाके हो सकता है आपका 23 आया हो इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद। लेकिन मैं आपको फिर से वही कह रहा हूँ कि जब चीज़ें प्रतिशत में पूछी जाती हैं तो ज़्यादातर कोशिश किया करो कि सब चीज़ों को अनुपात में बदल लें, वो ज़्यादा सरल हो जाता है। मेरे प्यारे भाई, बात समझना, ठीक है? बोलो हाँ है ना, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए और इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए। चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो फटाक से, कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है आपका, बताओ भाई। ठीक है, सब तुक्का लगा देते हैं और किसी का 3:5 कोई बच्चा कह रहा 3:5 होगा, जरा रुको देख ले कहाँ 3:5 हुआ था, एक बार फिर से तुम कैलकुलेट कर लेना विपिन सिंह, क्योंकि हमने तुम्हें कई बार देखा है कि तुम हमेशा ऐसे ही बीच में बोलते हो सकता है तुम्हारा गलत हो गया हो, तो एक बार देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो इस सवाल को देख लो। ठीक, आओ, ये सवाल भाई साहब इतना जबरदस्त है ना, इतना जबरदस्त है कि इस सवाल के जबरदस्त होने का एक जानते हो तरीका क्या है, एक सबसे अच्छा तरीका यह है मेरे प्यारे भाई कि आपके पास जो लिखा हुआ है कि x की पावर a और प्लस में 1/x की पावर a, ये मान आपको दिया है 2√10 के बराबर। ठीक, और फिर आपसे x की पावर 3a - 1/x की पावर 3a पूछ रहा है, तो हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हम a बराबर 1 कर ले रहे हैं। a बराबर 1 करने से हमारा सवाल बहुत सरल हो जाएगा, हमारा सवाल ये बन जाएगा कि ये बन गया x + 1/x बन जाएगा और बराबर है आपके पास 2√10। ठीक, और आपको फिर अब क्या मान निकालना है, सिर्फ मान निकालना है x³ - 1/x³ का, ये मान आपको निकालना होगा। कब? जब हम a बराबर 1 कर लेते हैं। ठीक, a बराबर क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। 234 देखो बच्चों के उत्तर आ गए। अब समस्या बच्चों के पास ये आएगी मेरे प्यारे भाई कि आपको x + 1/x का मान दिया और x - 1/x³ का मान दे रहा है, तो इसके लिए ये करना होगा कि आपको पहले तो x - 1/x का मान निकालना होगा। और ये मान क्या होगा, अगर आपके पास x + 1/x का मान दिया हो कुछ n और आपको x - 1/x का मान दिया हो, तो ये बात भी मैं आपको 50 बार सिखा सका हूँ कि ये मान ऐसे निकलेगा। तो 2√10 का होल स्क्वायर होगा 4 × 40, 40 में से 4 माइनस करेंगे 36, तो हमारे पास x - 1/x बराबर मेरे भाई क्या आएगा, 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6।
अब अगर हमारे पास ये बात पता चल गई यहां से कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अपने पास 6 आ गया है और x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान निकालना है तो क्या नहीं निकलेगा? बोले सर बिल्कुल निकलेगा। क्या होगा इसका मान? बोले सर 6 का क्यूब प्लस में, 6 का क्यूब प्लस में, अरे यार 6 का क्यूब प्लस में 3 × 6 तो 216 प्लस 18 मिलकर कितना हो जाएगा? 234 मान हो जाएगा किसका? एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आया मेरे प्यारे भाई? हाँ या ना जवाब देना। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे जैसे उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं, ये 198 आंसर दे रहे हैं, वो घटा रहे थे। अब यही तो समस्या है कि इतनी बार बताने के बाद भी आप लोग जब चीज़ों को नहीं पढ़ते हो ना, तो उसी तरीके से इसी जैसा आपका प्रश्न का उत्तर गलत हुआ ना, ऐसे ही गलत होता है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल सीख लो, अब सीख लो, कोई समस्या नहीं है। और वीडियो को लाइक अभी जिन लोगों ने नहीं किया है, 80 का टारगेट मुझे पहुंचाना है 75 लाइक का, तो वो आप लोगों की बदौलत ही पहुंचाया जा सकता है भाई। फटाफट से 75 के लाइक को पहुंचाना है। आप लोग अभी देखो बहुत कम लाइक पड़े हैं, जल्दी से लाइक कर दो भाई सब लोग फटाफट से। चलिए ये सवाल देखो मेरे प्यारे भाई, कह रहा है 12 पुरुष हैं किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। कितने पुरुष? 12 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 लड़के उसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। 9 लड़के और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कितना सरल सवाल है। अगर 12 पुरुष मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 12 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और इसी काम के बराबर का काम 4 लड़के मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, तो हमें सीधा सीधा घटा इसमें वो क्या करना है, दोनों की क्षमताओं का अनुपात निकाल लेना है, लड़के और पुरुषों की। तो देखो मेरे प्यारे भाई, 4 से कट गया 3 बार, 8 से कट गया 5 बार, तो पुरुष और लड़कों की क्षमता का जो अनुपात होगा वो 5/3 होगा। यानी एक पुरुष एक दिन में 5 काम करेगा और एक लड़का एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब टोटल काम निकाल लेते हैं भाई। टोटल काम देखिए कितना है, 5 एक पुरुष 5 काम कर रहा था, 12 × 5 = 60 × 8 होगा टोटल वर्क। बोले हाँ सर, ये टोटल वर्क हो गया 60 × 8। इस काम को कर कौन रहा है? इस काम को कर रहा है 9 लड़के और 3 पुरुष। तो एक लड़का 3 काम कर रहा है, 9 लड़के 27 काम करेंगे। 3 पुरुष, एक पुरुष 5 काम कर रहा है, 3 पुरुष 15 यूनिट काम करेंगे। 3 से ऊपर नीचे काट दीजिए, तो 3 से यहां काटोगे 20 बचेगा, बल्कि हाँ 3 से काट दो, यहां बचेगा 20, 20 × 8 हो जाएगा। 3 से यहां काटोगे 9 होगा, 3 से यहां काटोगे 5 होगा, 9 × 5 = 14 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर भी 2 से काट देते हैं, नीचे भी 2 से काट देंगे, तो ऊपर 2 से काटेंगे 10, 10 × 8 = 80 हो जाएगा, और नीचे 2 से काट दोगे 7 बचेगा। यानी 80/7 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। किसके द्वारा? 9 लड़कों और 3 पुरुषों के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा भाग आप अगर तेजी से नहीं कर पाते हो तो फिर कुछ होने नहीं वाला है मेरे भाई, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो अगला सवाल देखो, बताओ क्या होगा। समय रहते ही सभी को उत्तर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ठीक है, सर आई एम बिगनर, मुझे ALP के प्रिपरेशन करने के लिए कैसे करूं? सर समझ नहीं आ रहा है। ज्ञानेंद्र सिंह, क्लास के बाद हमारा जो सपोर्ट नंबर दे रखा है ये वाला, इस पे कॉल करिए और उनसे बोलिए मुझे अनुराग सर से बात करनी है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक कर दो भाई सभी लोग फटाफट से, अगले प्रश्न को देखो और उत्तर बता दो फटाक से। ठीक है, नहीं जिंदगी तुम मेरे दोस्त हो, आपस ही में लड़े मरे जा रहे हो क्या? आपस में मत लड़ो यार, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। चलो और भी आगे सवालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने आज तक नहीं सीखी होंगी, वो मैं आपसे वादे के रूप में ही कहता हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको समय पर चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब बिना मेरे पास कोई जादू या टेलीपैथी तो है नहीं कि हम यहीं से खोएं, वो जाओ रजनीकांत के दिमाग में घुस जाओ या जाओ जिंदगी के दिमाग में घुस जाओ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा, है ना। आओ देखो, पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा? ये ध्यान से समझना, कितना भाग क्या होगा खाली रहेगा। 13/15 आंसर आ गया है। अब उन प्रश्नों में आपको ध्यान से समझना है कि अगर हमारे पास 3 नल हैं ए बी और सी, तो इनकी क्षमताओं के लिए सबका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 60 आएगा ना, 15, 12 और 10 का,
तो 15 से ये कटेगा चार बार में, यानी ए चार यूनिट पानी भरेगा। 12 से कटेगा पांच बार में, बी पांच यूनिट पानी भरेगा। 10 से कटेगा छह बार में, सी पांच यूनिट पानी निकालेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये तीनों नल एक साथ खोले जाए एक घंटे के लिए, तो 5 4 9 - 6 यानी कि 3 यूनिट पानी पड़ेगा एक घंटे में। कितने यूनिट पानी पड़ेगा एक घंटे में? 3 यूनिट। और ये कितनी देर चल रखा है? 2 घंटे 40 मिनट का मतलब 2 घंटे 40 मिनट का मतलब 2 / 2/3 घंटे चल रखा है। तो 3 × 6 = 6 + 2 = 8/3 घंटे इसने काम किया है टोटल। एक घंटे में कितना काम होता है? 3 यूनिट। तो 8/3 घंटे में कितना टंकी का हिस्सा भरा जाएगा? 8 यूनिट भर दिया जाएगा। 60 यूनिट की टंकी में 8 यूनिट भर गया है, तो कितना अभी भरने को बचा है? बोले सर 52 यूनिट। कितने में? 60 में से। 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे 15 आएगा, यानी आप बोलोगे टंकी का अभी भी 13/15 हिस्सा जो होगा वो खाली होगा। कितना हिस्सा खाली होगा? 13/15 हिस्सा खाली होगा। बस इतना सा ही सवाल था, नहीं ज़्यादा कुछ करना है। अगर तुम इसमें भी अपने आप को सोच रहे होगे कि हम पूरी गणित लगाएंगे, तो तुम लगाते रहो, कोई मतलब नहीं होगा उन चीज़ों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से आंसर दीजिए जल्दी से। सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिलना चाहिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए बताइए, 25 क्वेश्चन जब तक पूरे नहीं होंगे क्लास चलती रहेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, चाहे आंटी पुलिस बुला ले, ठीक है? सर फोन नंबर दिख नहीं रहा है, मैं बोले दे रहा हूँ, लिख लो 6393125760, लिख लो 6393125760, ठीक है? कोई ना सर, पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये तो हमेशा की बात होती है। कोई भी चीज़ अगर आपके पास कमज़ोर है ना, अगर उसे आप पढ़ेंगे तो हमेशा वो अच्छी ही हो जाएगी, इसमें कोई दो राय होती नहीं है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक वृत्त की जीवाओं PQ और TS को बढ़ाकर एक बिंदु R पर मिलाया जाता है। तो अगर एक वृत्त है हमारे पास, इस वृत्त की दो जीवाओं को आगे बढ़ाकर मिला दिया जाता है, तो वो जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु है R, ठीक, R पर मिलाया गया। जीवाएं हैं PQ और TS, तो हमने कहा ये हमारे पास PQ जीवा हो गई, ये हमारे पास TS जीवा हो गई, इन दोनों को आगे मिलाकर T बिंदु पर मिला दिया गया, ठीक। कह रहा PQ का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, ये भुजा अपने पास 8 सेंटीमीटर है। QR का मान 6 हो गया, ये 6 हो गया। इसके बाद बोल रहा SR का मान 5 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो TS की लंबाई क्या होगा, ये मान क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो छेदक रेखाएं खींची जाती हैं, तो जो थ्योरम बनती है वो मेरे प्यारे भाई क्या बनती है? पूरी रेखा यानी कि 8 और 6 = 14, यानी कि आप बोलोगे PR इंटू QR बराबर होता है RT इंटू SR, ये होता है। इसी में आपको वैल्यू रखनी, PR कितनी हो जाएगी? 8 और 6 = 14 हो जाएगी। QR का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बराबर में RT कितना है? RT हो गया 5 + x, और उसके साथ साथ आपके पास SR पूछा गया है, तो SR है 5। अब सोचिए 14 × 6 = 84 यहाँ पर हो गया, 5 × 5 + x ये है। तो आप सोचिए कि ऐसा x का मान कौन सा रखें कि हमारे पास 84 मिल जाए हमको। तो हमारे पास 84 मिलने के लिए आप एक काम करो, 25 इसमें घटा दो, 5 × 5 = 25 इसमें घटा दोगे तो अपने पास क्या बचेगा? अगर हम इसमें से 24 घटा देते हो तो 60 मिलता है, यानी 61/59 मिलेगा ना, यहाँ मिलेगा 59, और 59 अपॉन में क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो इसका मतलब 5 से इसको काटेंगे 11 बार तो सीधे होगा, 11.8 करके उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो ये इसकी थ्योरम होती है, ये आपको पता ही होनी चाहिए, पता होगी भी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए और कोशिश करिए, बताइए क्या उत्तर रहने वाला है जल्दी से। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, जिसमें देर मत करिए, पुण्य का काम है, आपको पुण्य मिलेगा पेपर में, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए। सी सही जवाब है, 11.8। चलो मेरे प्यारे भाई अगले प्रश्न का उत्तर दे दो फटाफट से, देखें कितने बच्चों का सही उत्तर आता है, जल्दी से बताइए। बताइए क्या उत्तर होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, फटाक से देखें और जल्दी से बताएं, ठीक है, जल्दी से देखिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो आओ, एक रेलगाड़ी के द्वारा 5y - 1 घंटों में तय की गई दूरी
इतने किलोमीटर है। अच्छा, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ये तो वही बात हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी दी है मेरे प्यारे भाई? दूरी दी है 125 वाई क्यूब माइनस वन, ठीक। और चाल क्या दी है? चाल दी है 5 वाई माइनस वन। अब ये जो दूरी दी है, क्या इसको आप कैसे लिख सकते हो? इस दूरी को देखो, आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 5y माइनस वन का होल क्यूब और माइनस वन का होल क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हो? बोले हाँ सर, ये दूरी दी थी। चाल कितनी दी है? बोले चाल दी है सर 5y माइनस वन। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर इसका फॉर्मूला आपको पता है तो सवाल हो गया, और अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो फिर भाग देते रहोगे, जीवन निकल जाएगा, दिक्कत होगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए माइनस बी तो उससे नीचे कट जाएगा। अब जो बचा है क्या है? वही आंसर होगा। ए स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर, तो 25y स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और आगे आता है प्लस ए बी यानी 5y। तो जो समय पूछा गया था वो समय तो यही रहेगा ना, 25y स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 5y आपका आंसर हो जाएगा। ये उसकी चाल हो जाएगी कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है ना? इसके दोनों रूप बताना है तुमको मुझे। पहला वाला तो हर चिंदी बच्चों को पता होगा, दूसरा वाला बताओ जरा। पहला वाला होता है ए माइनस बी, दूसरा ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तो हर किसी को पता होता है। दूसरा वाला रूप क्या होता है? वो होता है ए माइनस बी, ध्यान से सुनना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? प्लस में होता है 3ab। याद है ये? ये इसका दूसरा फॉर्मेट बनता है, मैंने आपको कई बार बताया है। बेटा मुझे नहीं पता इस वक्त वैकेंसी किस वक्त आएगी, और मैं इसमें इसके विषय में कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ कि वैकेंसी कब तक आएगी। ये मेरा मैथ्स का कंप्लीट पेड कोर्स है, जिसमें आपको बाइलिंगुअल कंटेंट, डिटेल वीओडी क्लासेस, अपडेटेड कंटेंट क्लास और उसकी सबकी पीडीएफ मिलेगी, और ये आपको हमारी माई पाठशाला की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और कीमत इस वक्त इसकी बहुत कम है, क्योंकि अगले आने वाले कुछ समय में इसकी कीमत को बढ़ाने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी, हो सकता है एक डेढ़ महीने में हाँ, इसकी कीमत को मैं अच्छा खासा बढ़ा दूँ, ठीक। तो इस वक्त जितने बच्चे यहाँ पर इनरोल करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन पर जाके डेमो लेक्चर है उसको चेक कर लें, उसके बाद रेटिंग और रिव्यू चेक कर लें, फिर आप अगर इसमें इनरोल करते हैं। तो इनरोल करने से पहले आप एक काम करिएगा, आप एक कूपन कोड यूज़ करिएगा, जिससे आपको अभी फ़िलहाल डिस्काउंट मिलता जाएगा, और वो कूपन कोड होगा AD10। कौन सा? AD10। इस कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो अभी आपको मैथ्स का कोर्स मात्र और मात्र 299 में मिल जाएगा, और कुछ समय बाद ये जितना पहले लिखा हुआ है ये कोर्स उतने के ही आसपास जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस 352 बता रहे हैं। नहीं बेटा, इसका प्राइस 352 नहीं बता रहे होंगे, आप मेरी बात कराओ उनसे जिसने आपको ये बताया है 352 अंकिता, ये आपको इतने में ही मिलेगा, एक भी रुपए इससे ज़्यादा नहीं होगा, उनको बताने दो। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, ये आप कूपन कोड लगवा देना, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा यहाँ पर जिस नंबर पर मैंने कॉल करने को कहा है वो नंबर है 6393125760, या फिर आप 9696102411 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक भी रुपए इससे ज़्यादा आपको नहीं देने की ज़रूरत है, और ना ही इससे ज़्यादा लिया जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए फटाक से, देखें क्या आता है आप में बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से बताइए, ठीक है, फटाक से बताइए क्या आंसर आएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ेंगे। नहीं पता वीरेन सिंह वैकेंसी कब तक आएगी, इसमें इसका किसी को नहीं पता होगा, केवल आपको उल्लू बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए लोग वीडियो कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई किसी को नहीं पता है वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक। सीधी बात ये है, साफ बात यह है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का उत्तर दे दो। देखो भाई, सवाल ये कह रहा है कि सचिन ने एक वस्तु को 1240 में खरीदा, उसे 25% के घाटे पर बेच दिया, उस राशि को उसने एक और वस्तु खरीदी उसी राशि से जितने पे बेचा था, उससे उसे उसने 40% लाभ पर बेचा, सचिन को कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ? कहने का मतलब समझे सवाल का, ये है कि सचिन ने एक वस्तु खरीदी, इस वस्तु को उसने क्या किया, 25% के घाटे पर बेचा। अब इस 25% घाटे के बाद उसे जो ये राशि मिली यहाँ वाली, इससे इसने एक और वस्तु को क्या किया, खरीदा, और फिर उसे 40% के लाभ पर बेचा। अब यहाँ पर आपको मिला होगा कुछ वैल्यू, तो इस इनिशियल वैल्यू से इस वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होगा उसके फाइनल लाभ के रूप में, ये आपको बताना है, ठीक है।
आप अभी मैंने जो नंबर बेटा लिखा है ना उस पर आप क्लिक करो, उस पर आप कॉल करना क्लास के बाद और उनसे बोलना कि सर का बैच लेना और सर से बात भी करनी, ठीक है। अब सुनिए, होता क्या है कि ऐसे प्रश्न में बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये करने लगता है, आप में से काफ़ी लोग करने भी लगोगे कि 1240 का 25% घाटा यहाँ पर देखेंगे, फिर इससे जो वस्तु खरीदेंगे उस पर 40% लाभ के बाद वस्तु यहाँ होगी, फिर 1240 से इस वस्तु का देखेंगे कितना लाभ हुआ, फिर उस लाभ का प्रतिशत 1240 पर निकालेंगे। ये करेंगे आप में से कई सारे बच्चे ये करेंगे। अरे लेकिन मेरे भाई ये करने को किसने कहा है तुमसे? ये तो करने को किसी ने कहा ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। अरे भाई एक ही मूल्य पर एक बार में आपको एक बार 25% का घाटा हो रहा है, एक बार 40% का लाभ हो रहा है, उसी पर आगे ले जाने पर ना, ये तो सक्सेसिव बन गया ना भाई कि पहली बार 25% का घाटा था, ये भी रूल लगा लो प्लस दूसरी बार 40% का फायदा था, तो 25×40/100 कर लो, टोटल कितना फायदा नुकसान होगा ये आपको एक बार में पता चल जाएगा। प्लस का 15 यहाँ पर हो गया, -25/100 यहाँ पर हो गया, तो 15-10 यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते थे कि 5% का फायदा हो रहा है, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी भाई इसमें। इसमें क्यों तुम उतना बड़ा काम कर रहे थे? क्योंकि ये सीधी बात ये थी कि भाई हमारे पास एक ही मूल्य पर घाटा हो रहा था और उसी पर लाभ हो रहा था, बस हमें टोटल लाभ बताना था, तो ये भी रूल लगाएंगे फट से आंसर आ जाएगा, करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 1/20, हाँ 1/20 मतलब 5% है ना, लेकिन आंसर आप 1/20 की फॉर्म में नहीं प्रतिशत की फॉर्म में देंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए भाई अगला प्रश्न देखिए और बताइए क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का, जल्दी से बताइए। बताओ मेरे प्यारे भाई क्या आंसर होगा? डी आंसर दिया था ब्रेनफोर्ड ने, बिल्कुल गलत है डी आंसर देने वाले ब्रेनफोर्ड। योर ऑप्शन, योर आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मैथ बाई राकेश, जो आपने डी आंसर दिया था वो बिल्कुल गलत है 15%, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि सिर्फ चीजों को सही ढंग से पढ़िए, वरना आपसे गलतियां होती रहेंगी भाई, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35% और 40% है, यानी लड़कियों को पास होने के लिए कम से कम 35% अंक चाहिए होगा और लड़कों को पास होने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए होगा, ठीक है। लड़कों को पास होने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए। आगे क्या कह रहा, यदि एक लड़का 453 अंक प्राप्त करता है और 67 अंक से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने 453 अंक प्राप्त किए और अगर उसके 67 नंबर और होते तो वो पास हो जाता ना लड़का, तो 453 और 67 अगर हम जोड़ेंगे 45×51 520 हो जाएगा। तो सीधी बात ये हो गई कि 40% का मान है 520 यानी कि 13 गुना है। आपसे पूछ रहा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या होंगे, तो लड़कियों के न्यूनतम उत्तीर्ण होने के अंक तो 35% थे ना, तो इसी में अगर हम 13 का गुणा और कर देंगे तो उनके अंक पता चल जाएंगे कि कितने अंक, 13×39=390, 13×65 यानी कि 455 नंबर होंगे लड़कियों को पास होने के लिए, जितने अंकों की जरूरत होगी वो होगी 455 अंकों की, कितने अंकों की, 455 अंकों की। इस सवाल में अगर तुमने इससे ज़्यादा भी एक शब्द लिख दिया है, कम लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक शब्द ज़्यादा लिख दिया है, एक बिंदु ज़्यादा लगा दिया है, तो फिर सब गड़बड़ है, ठीक है। बात समझ पाए? एक घंटे में तुम्हें भूख भी लगाती है, प्यास भी लगाती है, पदास भी लगाती है, हगास भी लगाती है, सब कुछ तुम्हारा इसी 1-1.5 घंटे में होता है, पढ़ाई की तुम्हें इच्छा नहीं है, सब कुछ तुम गंदे काम इसी 1 घंटे में कर लो, 1.25-1.5 घंटे में है। वाह मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देख के बताइएगा, बहुत जबरदस्त आयु का ये सवाल होने वाला हो सकता है, देखिए ध्यान से, बहुत जबरदस्त सवाल हो सकता है, बताइए क्या उत्तर होगा। या तो खा के बैठा करो या तो क्लास करने के बाद खाओ, फिर कम से कम 1 घंटे तो सही ढंग से पढ़ लो यार, कैसी बात करते हो तुम।
गुस्सा दिला देते हो हैं। चलो ये सवाल देखो, सवाल ये है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11 और 9 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। अच्छा जी, तो भाई सीधी सी बात ये है कि ये पिताजी हो गए और ये माताजी हो गए, बहुत ध्यान से समझना, ये पिताजी हो गए और ये हो गई माँ। इनकी उम्र का जो अनुपात है वो 11 और 9 का अनुपात था कब, जब इनके बेटे का जन्म हुआ था। इनका इसका मतलब यह है जब बेटा इनका 0 वर्ष का था तब इनके माता और पिता की उम्र का अनुपात 11 और 9 था। ठीक है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 29:16 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु हो गई एस, और ये वर्तमान आयु से जब दोगुनी हुई यानी कि जब ये 2S हुई है तब की स्थिति में ये हुआ कि माता पिता और माता की उम्र का रेशियो जो है वो हो गया है 19:16 का। कितना हो गया है? 19:16 का हो गया। बोलो ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक में यानी जब बेटा पैदा हुआ था और जब वो अपनी वर्तमान उम्र की दोगुने क्या है तो क्या है उस पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो भाई साधारण बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए कि पिता और माता की उम्र का अंतर न भूतकाल में बदला होगा न वर्तमान में बदलना चाहिए, लेकिन अंतर हमें यहां पर क्या दिख रहा है, ये अंतर हमें यहां पर दिख रहा है 2 का, यहां पर दिख रहा है 3 का, तो उम्र का अंतर नहीं बदलना चाहिए। तो ये एज के डिफरेंस को हम बराबर करने के लिए ऊपर 3 का गुणा कर लेते हैं, नीचे 2 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 33, ऊपर 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और अगर नीचे हम 2 का गुणा करते हैं, किसका गुणा कर लेते हैं, नीचे हम 2 का गुणा कर लेते हैं तो 19 × 2 = 38 हो जाएगा यहां पर 2 का गुणा करने पर, और ये कितना था 16 × 2 = 32 हो जाएगा यहां पर। तो इसका फायदा ये हुआ कि देखो कि पिता जो है वो 33 से 38 हो रहा, 5 यूनिट बढ़ रहे हैं, और माता 27 से 32 हो रही, 5 यूनिट बढ़ रही, दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अब जो गैप है वो 5-5 यूनिट पे बराबर हो रहा है। किस पे बराबर हो रहा है? 5-5 यूनिट पे बराबर हो रहा है। तो मैं आपसे पूछा था, क्या पूछा था भाई, दोगुनी हो जाती है तो पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलो अब कोशिश करके बताओ कि पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है तो 0 से 2 गुने के बीच में, मेरी बात ध्यान से सुनना, 0 से 2 गुने के बीच में ये है एस यानी कि वर्तमान उम्र वाला। तो इसका मतलब 33 और 38 का जो मिड पॉइंट होगा, जो एवरेज होगा, वो वर्तमान उम्र होगी। तो 33 और 38 हो गया 71, 71/2 हो गया यानी कि पिता की वर्तमान उम्र का अनुपात 71/2, माता की 37 और 32 हो गया 59, 59/2, ये माता की वर्तमान उम्र का अनुपात हो गया। तो हुआ ये कि 2 से 2 खत्म हो गया, तो पिता और माता की वर्तमान आयु का जो अनुपात बनेगा वो क्या बन गया, 71:59 यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब ये सवाल सबके बस की बात ही नहीं है, नहीं है बात सबकी, समझना बहुत ध्यान से होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ेंगे, हम अगले सवाल पर आ गए हैं। और ये देखिए, एक से एक जबरदस्त सवाल है भाई, एक से एक जबरदस्त सवाल है। ध्यान से आपको ये देना है कि उन जबरदस्त सवालों में आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही हैं। और अगर ये प्रश्न पेपर में धर दिए गए ना उठा के ऐसे ही हूबहू, तो फिर वहाँ पे कराते रह जाएंगे वो बच्चे जो सही से नहीं पढ़ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, फिर आपको ये लगेगा अरे यार सर कहा तो करते थे सही से पढ़ लो, तब हमें काम हुआ करता था इम्पोर्टेंट, तब हमें भूख लगती थी, तब हमें हिंदी की क्लास लेनी होती थी। ठीक, चलो फिलहाल कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो बताओ फटाक से, आप लोगों की ही डिमांड थी ना तो क्वेश्चन हाई लेवल के रखे जाएं, तो हमने कहा चलो क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के रख दिए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा समझना तो जरूरी होता ना, हाई लेवल लो लेवल तो आप समझ ही जाओगे, लेकिन हाई लेवल तो मेरा समझाना आपको फर्ज है कि नहीं है। चलो फिलहाल आंसर दो। विपिन ऐड करने में बहुत फास्ट है, अच्छा डी आंसर, ठीक है। चलो देखो इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, कह रहा है कि ये मान दिया है, ये मान दिया है, तो इसका मान क्या होगा। मेरे प्यारे भाई क्या है, आप इसको ऐसे समझो कि मैं आपको बोल दूं ना,
मैं आपको ये बोलता हूँ मेरे प्यारे भाई कि आप मान लो कि ये पूरा हिस्सा ए है और ये पूरा हिस्सा बी है, तो यानी ये लिखा है रूट ए प्लस रूट बी। ध्यान से सुनिएगा, रूट ए प्लस रूट बी का मान अगर मान लो 17 दिया हो और आपको रूट ए माइनस रूट बी का मान निकालना हो, मान लो ये के हो, ये आपके पास है कि ये रूट ए प्लस रूट बी दिया है, रूट ए माइनस रूट बी आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इन दोनों का आपस में कर लेता हूँ गुणा। क्या कर देता हूँ? आपस में गुणा। तो वही काम हम यहाँ पर करते हैं कि ये हमारे पास a प्लस बी दिया है, ये हमारे पास a माइनस बी दिया है, हम दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 40, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। स्क्वायर करने से रूट हट गया तो ए स्क्वायर ये आ गया, माइनस में बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 11, और इधर क्या आ जाएगा? 17 गुणे के, है ना, कि हमारे पास ये वैल्यू थी तो 17 गुणे के कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसका मान चाहिए था जो कि हमने क्या माना है? के माना है, यानी अल्टीमेटली हमें के का मान निकालना रह गया। किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। अब देखो जरा, अगर ये माइनस अंदर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 40 प्लस 11 51 हो जाएगा, और ये मान हो जाएगा 17 गुणे के बराबर, और 17 तय 51, यानी के का मान हो गया अपने पास 3, और के का मान अगर 3 हो गया तो मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि सर ये जो मान पूछा गया था ये मान 3 हो जाएगा। एक सीधी और सरल भाषा में आपका उत्तर मिल जाएगा। इससे ज़्यादा सरल इस सवाल को करने का दुनिया जहाँ में कोई तरीका है ही नहीं, ना किया जा सकता है। हाँ, इससे सरल करने का तरीका ये है कि ये लाइन ना लिखो, सीधे इससे आंसर ले लो भाई। डायरेक्ट अगर यही बात कह देता मैं, 40 11 51 मान 17 के बराबर, 17 तो 51 के का मान 3, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सरल हो जाता। बस इससे ज़्यादा सरल इस सवाल को करने का दुनिया जहाँ में कोई तरीका नहीं मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल ये है आपके सामने, देखिए ध्यान से। चलो मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल देखो और बताओ जरा उत्तर क्या होगा फटाक से। तुम्हारी ये जो कैलकुलेशन रही है ना विपिन, क्या नाम है, कि 100 रूट के अंदर 149 में से 140 घटाना, इस कैलकुलेशन, इस 149 में से 140 जो तुमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, इसको करने के लिए तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हुई होगी, तब ये तुम ला पाए होगे। ऐसे तो नहीं ला पाए होगे ना, हमसे खेल लो बेटा। चलो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई फटाफट। ये देखिए अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी के, भार का अनुपात 5:3 है, ठीक है। दो व्यक्ति ए और बी हैं, इनके भार का जो अनुपात है वो 5:3 का है। ध्यान से सुनना भाई, कितने का है? 5:3 का, ठीक। अच्छा, ये होता है 5:3 का मतलब हो गया 8 हो गया। चलो, ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़ने के बाद 192 हो गया। तो ए और बी का कुल भार हो गया है 92 kg और ये 15% बढ़ने के बाद हुआ, यानी कि ये 115% का मान है। इसका मतलब अगर हम 100% का मान निकाल लें तो 100% का मान शुरुआत में इन दोनों के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 23 चौको 92, 23 पंजे 115, 5 से कट गया 20 बार, 20 चौको 80। इसका मतलब पहले वजन रहा होगा 80 और ए और बी का, और अब वजन है इनका 92, ठीक। अच्छा, तो 80 का मतलब 50 ए रहा होगा, 30 बी रहा होगा। अब ये कह रहा है कि ए का वजन जो है वो 5% बढ़ गया, तो ए का वजन अगर 5% बढ़ गया तो मैं ये देखता हूँ सिर्फ कि 50 का 5% तो 2.5 होता है, यानी ए का वजन 2.5 किलो बढ़ा है और टोटल दोनों का वजन कुल मिलाकर बढ़ा है 12 किलोग्राम। तो 12 में अगर 2.5 ए बढ़ा है तो बचा हुआ जो होगा वो कौन होगा? 9.5 kg, वो 9.5 kg जो बढ़ा होगा वो बी बढ़ा होगा। अब आपको ये बताना है कि ये 9.5 kg जो है वो 30 का कितने परसेंट है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बी का वजन कितने प्रतिशत बढ़ गया। ये इस सवाल को करने का हो गया फर्स्ट मेथड। ये बेसिक वाला तरीका है, मतलब ये फर्स्ट मेथड है, आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर में करना चाहते हो और जल्दी सफल होना चाहते हो तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ना ना ना, आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। आपको क्या तरीका अपनाना है सुनिए उसको ध्यान से, ठीक है।
भाई अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो, जीरो से जीरो ये काट दो, ये इसको काट दो, 95/3 का मतलब हो जाएगा आपका 32 96 होता है ना, तो 31.कुछ आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस सवाल को और वैसे करना चाहे देखना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा भाई, ए और बी का जो अनुपात था वो 5:3 का था, ए में हुई जो वृद्धि है वो है 5% और कुल मिलाकर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 15%। कितने परसेंट हुई है? 15%। हाँ या ध्यान का ध्यान से बात समझना ठीक। तो कह रहा बी का वजन कितने यूनिट कितने परसेंट बढ़ा है, देखो हुआ क्या भाई कि ये हिस्सा भी 15% बढ़ना चाहिए, ये हिस्सा भी 15% बढ़ना चाहिए, लेकिन ये हिस्सा अभी तक कितने परसेंट बढ़ा है? 5%। कितना नहीं बढ़ा है? बोले सर 10% की कमी है अभी भी इसमें। तो अगर एक 10% के बराबर है तो 5 जो होगा वो 50 हो जाएगा, 15% तो ये भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले हाँ सर होना चाहिए। ये जो 50 की कमी होती दिख रही है यहाँ पर -10 × 5, इसको अगर बैलेंस करना है तो 50 ऐड करना होगा, किस पर? 3 पर। 50/3 का मतलब होता क्या है? 50 यानी 16 × 3 = 48, 16 + 16.66 होता है, तो 16.66 + 15 31.66% की वृद्धि होगी किसमें? बी में। किसमें होगी? बी के उसमें जो है 31.66% की वृद्धि होगी। आपको सवाल पेपर में इस ढंग से करना है ना कि इस ढंग से, ये भी आपको ध्यान से समझते हुए चलना होगा। वीडियो को एक बार फटाक से लाइक कर दो भाई, सभी लोग जितने भी लोग हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और ये है आपका अगला सवाल, ध्यान से देखकर जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, जल्दी से बताइए। वीडियो को अभी लाइक नहीं करने वाले बच्चों को कहना है मेरा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चलिए बताइए क्या होगा इसका। क्या होगा इस प्रश्न का, अगले प्रश्न का उत्तर मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ये 16 / 2/3 कौन आंसर दे रहा है? अच्छा उसका उत्तर दियो, चलो ठीक है देखो। अरे टाइमर नहीं चलाया था क्या? चलो कोई बात नहीं। एक दुकानदार 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 130 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चाय की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 136 रुपये 40 पैसे में बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक चाय का मिश्रण है 120 रुपये पर केजी वाला, एक है 130 रुपये पर केजी वाला, इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण तैयार किया गया उसे 136 रुपये 40 पैसे में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी एक चीज 11 की हो जाती है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? 11 × 11 = 2 बचेगा, 11 × 2 = 22, 11 × 4 = 44, 0 बढ़ा देंगे यानी कि उसका क्रय मूल्य होगा 124 रुपये। इसका अंतर इसके साथ 6 हो जाएगा, इसका अंतर इसके साथ 4 हो जाएगा, अनुपात ले लेंगे 3:2 में मिलाया जाए, सवाल का उत्तर हो जाएगा 3:2। इससे ज्यादा सरल सवाल दुनिया में नहीं हो सकता है। ये प्रश्न देखिए और उत्तर बताइए, आपका समय शुरू हो जाता है। आप देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। बताओ भाई क्या आंसर होगा? मोहम्मद जावेद ने आंसर दिया था सी और बिल्कुल सही था। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये सवाल देखो, देखे कितने बड़े योद्धा तरीके से तुम इस सवाल को करते हो और क्या आपका उत्तर रहता है। चलिए वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग। आज लगता है मेरा 75 का टारगेट लाइक का पूरा नहीं हो पाएगा ना, तुम लोग आज उस 75 के टारगेट लाइक को पूरा करने नहीं दोगे। इतने बढ़िया क्वेश्चन कराए अगर कोई व्यक्ति और उसका अगर थोड़ा नाम हो तो उसके पास हजारों की संख्या में व्यू हैं। बस मेरा नाम नहीं है लेकिन क्वेश्चन कंटेंट मेरा बहुत अच्छा होता है, इस बात की मुझे बड़ी तसल्ली होती है। ठीक है अब देखो, एक व्यक्ति ने 6500 रुपये की धनराशि एक्स परसेंट साधारण ब्याज पर और 7500 रुपये की धनराशि x-2% की साधारण ब्याज दर पर निवेश करी। ठीक है, यदि दोनों धनराशियों से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज जो है 3750 रुपये है तो निवेश की गई दूसरी राशि के लिए ब्याज की दर कितनी थी, यानी कि x-2 आपसे पूछ रहा है। ध्यान से सुनो, 3 सालों में जो ब्याज मिला है वो मिला है 3750 रुपये 3 सालों में। तो 3 सालों में 3750 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 1250 रुपये होगा।
अब ये 1250 रुपये मिला किस पे, ध्यान से सुनना, 6500 की राशि पर x परसेंट, परसेंट से 2 0 1 हट जाएंगे, 65x हो जाएगा यहाँ पर, बोले हाँ सर हो जाएगा। 7500 की राशि पर x माइनस 2%, 75 इससे ये खत्म हो जाएगा, तो अपने पास 75x यहाँ से होगा और माइनस 150, तो 75x और 65x, 75 140x है ना, 140x माइनस में क्या होगा, 75 × 2 150, ये 101 साल का साधारण ब्याज होगा जो कि किसके बराबर हो रहा है, 1250 के, जोड़ देंगे इधर तो ये आपके पास हो जाएगा 1400, 1400 को 140 से डिवाइड कर देंगे, x का मान होगा 10%, और यदि x का मान 10% हो गया तो इसका मान होगा x माइनस 2 यानी 8%, तो आपका जवाब हो जाएगा 8%, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सिंगल लाइन नेट क्वेश्चन है। अब तुम इसमें पता नहीं कौन सी गणित लगा रहे हो मेरे प्यारे भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तुमने इसको सोचा भी है इस सवाल को, फिर तुमने कुछ किया ही नहीं इस सवाल को। बोलो समझ में आया, 8% आंसर आएगा सीधा सीधा, क्लियर है। राजू कुमार भी अपने साथ आ चुके हैं, 8%, ठीक है। एम ऑल्सो लल्लन टॉप, आपस में ही बतिया रहे साला, सवाल कोई देख ही नहीं रहा, इतना जबर जबर सवाल, अभी अगर मुंह बांधने बोल दे चुपचाप करो सवाल, तो अभी पता नहीं तुम लोग कैसे आदमी हो बे, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना अच्छा सवाल अगर हमें साला कोई कराए ना ऐसे सवाल, हम कहीं ध्यान ही ना दें, हमें ये सीखने को मिल रहा है दुनिया जाए भाड़ में, हम अपने चीजों को सीखें और आगे बढ़ जाएं। गुड इवनिंग भरद्वाज, आज लगता है मेरे 70-75 लाइक का, 75 लाइक का टारगेट पूरा नहीं होगा। बताइए क्या होगा प्रश्न का उत्तर। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, सवाल कह रहा है 1 + 2 cot² θ + 2 cos θ cosec² θ का मान x अपॉन y है, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये अगर हमसे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई पूछा है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी योगांतर निष्पत्ति तो हमें दिख रही है। अब इसी योगांतर निष्पत्ति का फायदा उठाकर हमें करना है सवाल, ठीक है। हम तो अच्छे से पढ़ाते हैं लेकिन तुम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हो ना, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, ये लिखा है 2 cot² θ, तो 1 cot² θ इसका अलग से ले लो, 1 cot² θ, ये cot² θ + 1 बन जाएगा। cot² θ + 1 क्या होता है, ये होता है cosec² θ, और 1 cot² θ अभी भी इसमें है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बन गया आपके पास cot² θ + cosec² θ बन गया। तो किसी ना किसी का भी फॉर्मूला आपको बनता दिखाई देगा, बोले सर किसका बन रहा है, यहाँ तो आपने cot cosec बना लिया लेकिन सर यहाँ cos और cosec है, तो कोई बच्चा को कह दे कि सर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई। बस देखो ये जो आपके पास cos है बना रहे, तो इस cosec को आप क्या लिख सकते हो, कोसिक को आप लिख सकते हो, हाँ। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो कॉट और कोसिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉट और कोसिक। तो ये आपके पास, इस चीज़ को ध्यान से समझना जरा, ये कोसिक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो 1 cosec θ को अगर हम नीचे लिखेंगे तो साइन थीटा बन जाएगा, और 1 cosec θ ऐसे ही लिखा रहे, तो ऐसे 1 cosec θ को 1/sin θ करके इसके नीचे लिख दिया, और 1 cosec θ ऐसे ही लिखा रहने दिया, तो ये क्या बन गया, cos θ / sin θ, ये बन गया 2 cot θ बन गया, और आगे एक cosec θ है ही अपने पास, और बराबर में क्या दे रखा था, x/y। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बना है, तो बोले सर x/y बराबर, अगर ये हम देखते हैं तो ये हमारे पास बन गया cot θ + cosec θ² ये बन गया, बन गया कि नहीं बना, बोलो हाँ या ना। रेशनलाइजेशन तुमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ऊपर x + y लिखा हो, या हम ऐसे कह दें x + √y लिखा हो, और नीचे अपने पास x - √y लिखा हो, तो परिमेयकरण करने पर ऊपर स्क्वायर हो जाता था, यहाँ पर x + √y से गुणा हो जाएगा, यही होता था, हाँ है ना, होता था ना, ऊपर स्क्वायर बन रहा है इसका मतलब नीचे वही चीज़ माइनस में रही होगी, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब नीचे ये चीज़ जो रहेगी
वो किस में रहेगी, माइनस में, यानी कि हम यहां पर इसके नीचे लिख सकते हैं ना कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अब हमारे पास लगा दीजिए दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी योगांतर निष्पत्ति, तो इधर मेरे भाई हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इधर अपने पास हो जाएगा सिर्फ कॉट थीटा बटे में कोसेक थीटा, कॉट थीटा बटे में कोसेक थीटा होता है सेक थीटा के बराबर। ये आपने चीजें नहीं पढ़ी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पढ़ो सीख लो। तो ये x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई का जो मान होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा sec थीटा का, लिखा अच्छा ऑप्शन यही लिखा है, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसने दो बार लाइक कर दिया है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने एक बार भी नहीं किया उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो करने की सोच रहा है उसको भी धन्यवाद, जो नहीं सोच रहा है उसको भी धन्यवाद। ठीक है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अगला सवाल करके बताओगे, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, उत्तर तो दे सकते हो ना, बताओ फटाक से। बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा भाई जिसका मन हो। ठीक है, और चार बार कर दो। देखो कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 18.4 है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई अगर वर्ग का विकर्ण आपके पास 18.4 दिया है तो इसका स्क्वायर करके बटे दो करना है, हमारे पास वर्ग का विकर्ण वो आ जाएगा क्षेत्रफल, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 4 × 16 = 6, और 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 8 होगा, 3 हमें कहीं मिल नहीं रहा, 8 मिल रहा है, अपना आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी, खत्म हो गया सवाल। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करने के बाद मुझे जरूर देंगे। ये है आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन और ये है आज का आपका सवाल नंबर 25। सभी लोग होमवर्क करके आंसर जरूर दें और कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स आता है उस कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा है, जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं वो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।